तो दोस्तों, जीवन में टेक्नोलॉजी की बढ़ती भूमिका अपने साथ कई तरह की बीमारियां भी लेकर आई है। इन्हीं में शामिल है एयरफोन या हेडफोन, जिसके ज़्यादा देर तक इस्तेमाल से आपको अपने कानों से संबंधित समस्या का सामना करना पड़ सकता है। एक रिसर्च के मुताबिक, यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन 1 घंटे से अधिक वक्त तक 80 डेसिबल से अधिक तेज़ आवाज़ में संगीत सुनता है, या फिर वह स्थायी रूप से बहरा हो सकता है। अगर आप भी एयरफोन का ज़्यादा देर तक इस्तेमाल करते हैं तो समय रहते संभल जाइए, क्योंकि ये ना केवल आपके कानों को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि आज हम आपको एयरफोन का ज़्यादा इस्तेमाल करने से होने वाले 4 बड़े नुकसान के बारे में बताने जा रहे हैं। नंबर 1, कम सुनाई देना। लगभग हर एयरफोन में हाई डेसिबल वेव्स होते हैं। इसका इस्तेमाल करने से आप हमेशा के लिए अपनी सुनने की क्षमता खो सकते हैं। इसके लगातार प्रयोग से सुनने की क्षमता 40 से 50 डेसिबल तक कम हो जाती है। कान का पर्दा वाइब्रेट होने लगता है, दूर की आवाज़ सुनने में परेशानी होने लगती है, यहाँ तक कि इससे बहरापन भी हो सकता है। इसलिए 90 डेसिबल से अधिक आवाज़ में गाने ना सुनें, और ईयरफोन से गाने सुनने के दौरान समय समय पर ब्रेक भी लेते रहें। नंबर 2 है दिमाग पर बुरा प्रभाव पड़ना। इसके लगातार इस्तेमाल करने से दिमाग पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। ईयरफोन से निकलने वाली विद्युत चुंबकीय तरंगें दिमाग के सेल्स को काफ़ी क्षति पहुँचाती है। ईयरफोन के अत्यधिक प्रयोग से कान में दर्द, सिर दर्द या नींद आने जैसी सामान्य समस्याएं हो सकती है। आज लगभग 50% युवाओं में कान की समस्या का कारण ईयरफोन का अधिक प्रयोग करने से है। नंबर 3, कान का संक्रमण। ईयरफोन से लंबे समय तक गाना सुनने से कान में इन्फेक्शन भी हो सकता है। जब भी किसी के साथ ईयरफोन शेयर करें तो उसे सैनिटाइजर से साफ करना न भूलें। बता दें कि आमतौर पर कान 65 डेसिबल की ध्वनि को ही सहन कर सकता है, लेकिन ईयरफोन पर अगर 90 डेसिबल की ध्वनि 40 घंटे से ज़्यादा सुनी जाए तो कान की नसें पूरी तरह डेड हो सकती है। नंबर 4, कान सुन होना। लंबे समय तक ईयरफोन से गाना सुनने से कान सुना हो जाता है, जिससे धीरे धीरे सुनने की क्षमता कम हो जाती है। तेज़ आवाज़ में संगीत सुनने से मानसिक समस्याएं तो पैदा होती ही है, साथ ही हृदय रोग और कैंसर का भी खतरा बढ़ जाता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ बीमारियां सामने आने लगती है। यह भारी भाग के कान के पर्दे को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ अंदरूनी हेयर सेल्स को भी तकलीफ पहुंचाता है। डॉक्टरों के अनुसार इनके ज़्यादा उपयोग लेने से कानों में अनेक प्रकार की समस्याएं हो सकती है, जिनमें कान में छन छन की आवाज़ आना, चक्कर आना, सनसनाहट, नींद आना, सिर और कान में दर्द आदि मुख्य है। तो दोस्तों, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि एयरफोन कान के लिए कितना खतरनाक है। तो एयरफोन का कम से कम इस्तेमाल करें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आगे शेयर जरूर करना। धन्यवाद।